हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज़। सुपर आइडियाज़ में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 7 दिसंबर, तो उत्तराखंड की बड़ी खबरें क्या हैं, नज़र डालते हैं। अभी समय उत्तराखंड लाइव न्यूज़ का, और उत्तराखंड न्यूज़ आप लोग के लिए आती है हर रोज़ सुबह 7 बजे। तो और आज है 7 दिसंबर। दीक्षा समारोह में 1141 छात्रों को मिली मेडिकल की डिग्री। HNB उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षा समारोह सोमवार शाम को दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया गया। इस दौरान दीक्षा समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने छात्रों को डिग्री और मेडल प्रदान किए। उत्तराखंड के तमाम इलाकों में बर्फबारी, मौसम बदलने के बाद तापमान में गिरावट। उत्तराखंड के तमाम उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम बदल गया है। तापमान में गिरावट के बाद कई इलाकों में पर्यटकों को थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। हालांकि ओली समेत तमाम पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी से सैलानियों ने अपनी खुशी जाहिर की। उत्तराखंड में आने वाले कुछ दिनों में बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। बीते 24 घंटों की बात करें तो 11 नए मरीज मिले हैं और किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 9 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। एक्टिव मामलों की संख्या 172 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 5 जिलों बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में एक भी मरीज नहीं मिला है। अल्मोड़ा, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, ऊधम सिंह नगर में 1-1, देहरादून में 2 और नैनीताल में 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। नागालैंड में टिहरी का जवान गौतम सहित देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर लाया गया पार्थिव शरीर नागालैंड के मोन जिले में शनिवार को सैन्य बलों की फायरिंग में 13 लोगों की मौत के बाद रविवार को भी तनाव चरम पर रहा। जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद हुई हिंसा में टिहरी जिले के नोली गांव निवासी सेना के पैरा टूर पर गौतम लाल की 24 साल के थे शहीद हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर सोमवार शाम को जोली ग्रांट देहरादून लाया गया और पार्थिव शरीर एम्स ऋषिकेश में रहेगा। मंगलवार को पैतृक गांव पहुंचाया जाएगा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, मैं भी गर्व से भरा हुआ सेना लेकर मार्च करता था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि आज की परेड ने मुझे एनसीसी के साथ मेरे कार्यालय की याद दिला दी, जब मैं आपकी तरह ही गर्व से भरा हुआ सेना लेकर मार्च करता था। होमगार्ड राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि होमगार्ड्स ने हमेशा दैनिक मामलों, आपातकालीन स्थितियों और सामाजिक सद्भाव के प्रबंधन में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। सीमित संसाधनों में भी आपने हमेशा हर कार्य को अंजाम दिया है। उपनल कर्मियों ने दी चेतावनी, 2 दिन में कार्यवाही नहीं हुई तो किया जाएगा आंदोलन। उत्तराखंड में उपनल कर्मियों ने एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। समान कार्य, समान वेतन और नियमितीकरण की मांग 2 दिन के भीतर पूरी न होने पर उपनल कर्मचारी महासंघ प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया मुख्यमंत्री धामी का सम्मान। सीएम ने की कई घोषणाएं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के 5 वर्षों की सफलता की गूंज कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। संस्कृति विभाग की ओर से पारंपरिक गीत और वाद्य यंत्रों से उनका स्वागत हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ₹00,00,000 वार्षिक बीमा पॉलिसी, मासिक मानदेय डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद खाली होने पर साहसिक को इस पद का लाभ, विभाग की ओर से 1 रुपए में दिए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन मुफ्त दिए जाने की घोषणा की। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी जय हिंद जय भारत पार्टी को मिलेगा कांग्रेस का समर्थन। जय हिंद जय भारत पार्टी यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी कांग्रेस का समर्थन करेगी। सोमवार को राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चतर सिंह कश्यप ने इसकी घोषणा की। देश में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद उत्तराखंड सरकार निपटने की तैयारियों में जुट गई है। हालांकि अभी कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन रैंडम सैंपलिंग चालू है। अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर लौट रहे पर्यटकों की सैंपलिंग के साथ इन्हें क्वारंटीन की सुविधा भी दी गई है। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।